ट्रिप्स। आपने लास्ट टाइम देखा था हम कोटद्वार थे, कोटद्वार से आप निकलेंगे सिलगांव के लिए, और सिलगांव के लिए बीच में मैदावन, मैदावन के बाद गाड़ीपुल, गाड़ीपुल के बाद द्वारी, द्वारी के बाद हम सिलगांव पहुँचेंगे। तो देखिए बीच का सफ़र कैसा रहता हमारा। ये सभी लोग जो भी रास्ते में दिख रहे हैं आपको जाते टाइम, ये सब सिद्ध बाबा मंदिर जा रहे हैं फिलहाल। जहाँ तक मैंने सुना है इनके बारे में, इस मंदिर के बारे में, कि इसकी स्थापना के बारे में, यहाँ पे कोई एक बाबा हुआ करते थे जिनका नाम सिद्ध बाबा कहा जाता है। उन्होंने यहाँ पे एक तप की साधना की थी, और तप करने के बाद हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हुई थी उनको। सिद्ध बाबा ने यहाँ बजरंग बली की एक विशाल प्रतिमा का भी निर्माण कराया था। जो ये मंदिर है, इस मंदिर ये जो मंदिर है, ये एक नदी है, यहाँ पे खो नदी के नाम से जाना जाता है। उसके सामने स्थित 40 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। तो आप लोग जरूर आइए यहाँ पे, बहुत ही नाम है यहाँ सिद्ध बाबा कोटद्वार वाले मंदिर जी का। तो आप आइए और जानिए यहाँ पे। नथुराबा पहुँचे हैं भाई लोग हम अभी, और बड़े मुश्किल से इस वाली गाड़ी में आ रहे हैं, और नेगी जी की गाड़ी में जब मैं यहाँ तक ले आई नथु ढाबा तक। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या विचार बनता है। दो भाई हमारा और वेट कर रहे हैं ऊपर। तो अभी दिन के 12 बजे हैं और ये मौसम है यहाँ का फर्मलाइन भाई। ये मार्केट है नथु ढाबा का, वीडियो क्लियरिटी नहीं आ रही है। यार राम फरमा रहे हैं भाई साहब। और ये हमें अंकल जी मिले रास्ते में, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और ये यहाँ का नज़ारा, मौसम, धूप, छन छन की धूप मिल रही है हमें। आनंद लेते हुए एक हमें अंकल जी मिले हैं, बहुत अच्छे गायक। देखा हमारो गढ़वाल, देखा वल्ला पल्ला छाल, डानी कांटों का बीच मगधनों की धार। देखा हमारो गढ़वाल, वल्ला पल्ला छाल, डानी कांटों का बीच मगधनों की धार। बाग बगीचा यख कुदरती बना छी, बाग बगीचा यख कुदरती बना छी, आब बेगू तिमला कन्या छी। बेटवा जब जब लुजान छे न्यारी घालू को घमणा, तो ते पाछू जो को छमणा, डानी काटो जी। अच्छा लगा आपकी गायकी। द्वारी मोड़ यहाँ पे कुछ है, पुल है यहाँ पे,
तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और देखो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, कितना बढ़िया पुल लग रहा है देखिए ये, और इसके ऊपर जो ये पहाड़ है ये तो सुभान अल्लाह अलग ही नज़ारा दे रहा है। चारों तरफ अंदर ही होगा, चारों तरफ खेत हैं हरी हरी और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, ठंड का कोई नाम नहीं है फिलहाल अभी, खिलती भी धूप है जिसकी वजह से बहुत ही, देखिए ये गाड़ी जा रही है कितने अच्छे ढंग से ले जा रहा है ड्राइवर इसको भी। तो दोस्तों हम द्वारी गांव में हैं फिलहाल अभी और द्वारी गांव से पैदल मार्ग जाएंगे क्योंकि यहां से कोई कन्वेंस नहीं है। सुबह 4:30 बजे से ऐसी बजी पड़ी है, दिख रहा है पूरे रास्ते में कोई कन्वेंस ही नहीं मिल रहा, अब फिर भी अभी भी कोई कन्वेंस नहीं मिला और फिर हमें पैदल पैदल जाना पड़ रहा है। तो तुम्हें बताऊं यहां से हमें कितनी दूर जाना है पैदल पैदल, यहां से सामने दिख रहा है आपको एकदम लास्ट वो जहाँ पे मेरी उंगली गई है वहाँ तक पहुँचना है पैदल पैदल, अभी दो रास्ते जा रहे हैं शायद इसी रास्ते में जाना पड़ेगा। तो रास्ते का हाल बताते रहेंगे आपको जंगली बकरा। देखो जंगल से आए हैं भाई साहब सिंह ने का भयंकर मन बना में, तो ये आप देख रहे हैं ये हल्के हल्के हल्का हल्का धूप जो पहाड़ ढके जा रही है, मारा बंदे ने छक्का, कभी यार हम भी नहीं खेलना चाहिए घर पर आउट है। ओए लड़के ने सिक्स मार दिया भैया, गेंद सीमा पार नहीं गई गलत रो की वजह से। ओए बोल लाउड भाई शाबाश। द्वारिक मैच चल मैं कहता कड़े, अच्छा द्वारिका खेलना चाहे, अरे लोन तेरा नाम क्या है कीपर? विष्णु पाराल, बहुत बढ़िया उमार हिट यार। देखो पानी इस तरीके से ऊपर से आ रहा है, ये नेचुरल पानी है, मतलब ये कोई नदी नहीं है कोई कुछ नहीं है, ये निकल रहा है ज़मीन के अंदर से पानी, वो भी बिना पंपिंग किए हुए। देखो सबसे बढ़िया बात है ये पानी यहाँ जा रहा है उसके बाद इसी के अंदर समा जा रहा है, देखो सामने खेत है इस पानी का कोई निकास नहीं है नीचे तक, देख रहे हैं आप, ये उत्तराखंड का ना एक अलग ही दृश्य देखने को मिला हमें। अब पानी एकदम गर्म है, ऐसा भी देखो ठंड, जब यहाँ पे ठंड पड़ती है तो एकदम गर्म पानी निकलता है ज़मीन के अंदर से, तो संदीप गर्म पानी में मुंह धो रहा है फिलहाल। तो भाई फाइनली हम आधे रास्ते में आ चुके हैं, संदीप भाई हेलो भाई और मैं और ये भी बात सुनने में आई यहाँ पे, कुछ गांव वाले मिले थे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बाघ को देखा गया है, तो बाघ के नाम से तो सब कुछ ढीला हो गया, रुकना नहीं है बस सीधा निकलना है, साथ में पकड़ा हुआ ये गंगाराम इसे बोलते हैं बड़ा हराम, इनकेस कुछ मिलता है हमें रास्ते में तो उसको हराम हराम करेंगे, बट फिलहाल किसी को ना मिले निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर ताकि टाइमली घर पहुंचे और बाघ के दर्शन ना कर पाए, तो मिलते हैं वहां जाके आपको अपडेट करते हैं। भाई कुछ कहना चाहते हो आप, कैसा रहा आपका सफर? बहुत ही बढ़िया भी था और बहुत चीजें हमें नई दिखी और नए लोग मिले नई बातें, तो बहुत मजा आया, हालांकि थोड़ा परेशानी भी लेकिन पर ठीक है टाइम कट ही रहा था,
यहाँ के भी क्या करना था, बस थोड़ा सा ये हुआ कि दूल्हे की जो हल्दी थी वो हमने मिस कर दी। मैं दिखाता आपको हमारे गढ़वाल में रीति रिवाज से कैसे हल्दी होती है, बट थोड़ा मिस हो गया हमसे। अब क्या करें, कुछ उत्तराखंड है, कुछ कन्वेंस की प्रॉब्लम थी, नई नई रोड बनी थी यहाँ पे, तो कोई आने को एकदम राजी नहीं था, तो जा रहे हैं फिलहाल। पर काफ़ी चौड़ी थी, बट यहाँ पे अच्छी रोड बन चुकी है, आराम से गाड़ी आ सकती है। बट खैर जो भी है सब अपना है, चलते रहो हमें राही। अपडेट करता हूँ आपको, देखो पहाड़ों में कुछ इस तरीके से घर बसे रहते हैं। सामने देखो पूरा गांव बसा हुआ है, नाम क्या है मुझे भी नहीं पता, और आप देखेंगे देखो एक सामने घर बसा हुआ है पूरा। ये सामने जो दिख रही है आपको कटी हुई है वो हल्की सी रोड है, और सूर्य भी अपनी आखिरी किरण छोड़ते हुए, डूबता हुआ सूरज जिसे कहा जाता है कि बहुत ही अच्छे पल रहते हैं, इसी टाइम जानवर भी बाहर निकलने का टाइम होता है और एक दूसरे बैठे करने का टाइम मिलता है। तो फिलहाल अभी हम सीधे निकल रहे हैं, ये भाई और वापस आके दोबारा, तो देखते हैं। अगर आप लोग इसे पहचान लोगे क्या घास है तो मुझे प्लीज बताइएगा, बहुत अच्छी सुझाने लायक है। बट इसमें जो काटे हैं ना, जब चुपते हैं तो भी बहुत अच्छे चुपते हैं, बहुत अच्छी फसल हो रखी है। अच्छा तो मैं आपको अपडेट कर रहा था गांव के बारे में, तो एक गांव ये रहा देखो, बहुत शांत वातावरण। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, इसका ज्यादा काम नहीं है पीछे वाला, वही देखिए पुराने जमाने में ना बहुत टाइप का बना हुआ है, यहाँ बकरियाँ बांधी जाती है। ये नीमा का गांव है, मेरा नीमा का ससुराल, तो देखा तुम्हें बकरियाँ दिखाते हैं। सुपर नीमा में ब्लॉग्स बनाती हैं, ये रावण का ससुराल इस जगह वो रहती हैं, और ये रास्ता रहा शायद जो बीच में उन्होंने बताया था कि गाय को बाघ से डर है या फिर कुछ, वो इसी रास्ते में है। तो भैया चलो जल्दी हम भी जा रहे हैं ताकि हमें ना दिखे वो बाघ। और अच्छा गांव है, रोड के नज़दीकी है, सामने रहा शायद। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। हम पहुँच चुके हैं सिलगांव, और सिलगांव में आज रात होगी पार्टी, पार्टी में डांस होंगे, गढ़वाली बैंड होगा, तो मैं आपको अपडेट करूँगा पार्ट थ्री में किस तरीके से एंजॉय किया हमने और किस तरीके से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं।